तो गाइस ये हैंड फैन, इसमें ना ही कोई बैटरी की ज़रूरत है ना ही कोई मोटर की, ये चलती है हाथों से घुमाने से। और फ्रेंड ये फैन घूमती है बहुत ज़्यादा आरपीएम से, शायद कैमरा पे ये पकड़ नहीं पा रहा है, लेकिन फ्रेंड बहुत ज़्यादा आरपीएम से घूम रहा है। तो स्टूडेंट साइंस का प्रोजेक्ट बनाता है, उसी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। हमारा जो इंडियन है जुगाड़ के मामले में बहुत आगे है। इसे बनाने के लिए हमें ज़रूरत है ब्लोअर फैन, जो कि लोहार लोग यूज करते हैं। और इसे लेने का कारण है इसमें दो दो गियर होने के बहुत ज़्यादा आरपीएम मिलता है, तो मैंने ये ले लिया। फाइनली मैंने इसे ओपन कर लिया, मैं इसे घुमा रहा हूँ, लेकिन कैमरा में ये नहीं पकड़ पा रही है। इसमें दो दो गियर होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा आरपीएम मिलता है। तो फ्रेंड हमें ज़रूरत है एक टेबल फैन का ब्लेड, तो हमारे पास जो पुराना वाला टेबल फैन है उसी से निकल रहा हूँ, निकाल के फिटिंग करके देखता हूँ क्या होता क्या नहीं होता। ब्लोअर फैन का जो शैप है लगता है उसी ब्लेड के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। देखते हैं होता है क्या नहीं होता है। हो गया हो गया, बहुत बढ़िया से हो गया। अब मैं इसे टाइट करता हूँ, अच्छे से टाइट कर रहा हूँ। मेरे पास है एक पुराना थ्रेशर मशीन का पेडल, उसी के साथ अच्छे से फिटिंग करूंगा ताकि इधर उधर ना घूमे। तो मैंने अच्छे से टाइट होने के लिए एक नट बोल्ट का सहारा लिया। दोस्तों कितना ज़्यादा आरपीएम पे घूम रहा है, लेकिन आप शायद देख नहीं रहे, लेकिन जो टेबल फैन है उससे भी ज़्यादा आरपीएम पे घूम रहा है, लेकिन शायद कैमरा की वजह से दिख नहीं रहे। तो मैंने एक तोयल लिए, सामने उसको रख दिए ताकि जो यार का फोर्स है, यार का जो फोर्स है वो आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए तो वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरा नया चैनल है।